प्रोफेसर हार्डी के मुताबिक गणित के जिन सूत्रों को सुलझाने में बड़े बड़े गणितज्ञों को भी 5 से 6 घंटे का समय लगता था, उसे सिद्ध करने के लिए रामानुजन सोचने का भी वक्त नहीं लेते थे। यानी जब तक उनके सामने सवाल लिखा जाता तब तक वो उसका जवाब भी ढूंढ लेते थे। तो फ्रेंड, अगर हमें इंटीग्रेट करना है 0 to 1 x टू पावर m इंटू 1 माइनस x टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, वेयर m एंड n ग्रेटर देन 0। तो फ्रेंड, अगर इस टाइप के इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है तो इसके लिए डायरेक्ट जो शॉर्टकट ट्रिक है बहुत ही स्पेशल है। जो यहाँ पर पावर m है इसका फैक्टोरियल लेंगे, तो फैक्टोरियल m, ये वाला सिंबल फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल m। सेकेंड पावर क्या है, n, तो इसका भी फिर से फैक्टोरियल लेंगे, तो फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n अपॉन जो यहाँ पर पावर है 1 m एंड n, तीनों को आपस में ऐड कर देंगे और फिर से उनका फैक्टोरियल ले लेंगे, तो 1 plus m plus n और फिर से सबका फैक्टोरियल, यही होगा इसका आंसर। तो अगर हमें इंटीग्रेट करना है 0 to 1 x टू पावर 4 1 माइनस x टू पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो करेंगे क्या ट्रिक के अनुसार से, फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4, उसके बाद से इसका फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 अपॉन 1 और 4 और 2, तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 4 कितना 5, 5 में 2 ऐड करो कितना होगा 7, तो फैक्टोरियल 7। तो इसको सॉल्व करो, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा, 4 into 3 into 2 into 1, और फिर से नीचे फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होगा, 2 into 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 का मान कितना होगा, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। तो यहाँ बस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और 2 से 6 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, तो बचा क्या, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 7 में 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हुआ, 21, और 21 में 5 से कितना हुआ, 5 0 1, तो यही होगा आंसर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन का एक और सुपर डुपर ट्रिक देखेंगे जिसका यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपको ट्रिक बता दूं, ट्रिक यही है, अगर कोई भी डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉब्लम इस टाइप का हो, 0 to infinite, यह याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 0 to infinite e टू पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फ्रेंड, अगर कोई भी डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉब्लम इस फॉर्म में आ जाता है, 0 to infinite e टू पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आप डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे, रूट ओवर पाई अपॉन 2a, यहाँ पर ए स्क्वायर दिया है लेकिन हम सॉल्यूशन में अपॉन में a लिखेंगे। तो अब इस प्रॉब्लम को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू कितना, 4 है, ए स्क्वायर का मान कितना दिया, 4 दिया, तो ए का मान कितना हो जाएगा, बेसिकली 2 होगा, तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन क्या होगा, रूट ओवर पाई अपॉन 2a, ए का मान यहाँ से देखो 2 है, तो क्या होगा, रूट ओवर पाई अपॉन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4 होगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, 1 अपॉन जो कांस्टेंट ए है, तो कांस्टेंट ए फिर से ब्रेकेट, फिर से यही कांस्टेंट दोबारा लिखेंगे कांस्टेंट ए, उसके बाद से साइन में कॉस से डिवाइड करेंगे, साइन एक्स बटा कॉस एक्स, तो क्या होता है, 10x, तो क्या लिखेंगे, 10x प्लस सेकेंड वाला कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट बी, तो कांस्टेंट बी प्लस अंत में क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन फ्रेंड, हम जानते हैं अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है जिसका जो पावर है वो ग्रेटर देन 1 हो, जैसे हमें इंटीग्रेट करना है 1 upon x square, तो जब भी इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, -1/x, यानी माइनस साइन आता है,
डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है जिसका पावर एक से ज्यादा हो तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन आएगा, जैसे कि मैंने यहां पर किया है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो माइनस साइन होगा, तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस वन अपॉन ए इंटू ए टेन एक्स प्लस बी। जैसे कि हमें सॉल्व करना है वन अपॉन थ्री साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या होगा वन अपॉन थ्री ब्रैकेट में फिर से थ्री और साइन एक्स में कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे क्या होगा टेन एक्स प्लस सेकेंड कंस्टेंट क्या है बी का मान कितना है वन, अंत में क्या होगा कंस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेकिन जो पावर है वो ग्रेटर देन वन है, दैट्स व्हाई यहां पर माइनस साइन होगा। अगर हमें इंटीग्रेट करना हो वन अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसके लिए ट्रिक क्या है वन अपॉन जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर करके एड कर देंगे फिर रूट ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर से इसका रूट ले लो लॉग टेन लॉग लेंगे फिर से टेन एक्स का हाफ प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए का हाफ टेन इनवर्स बी बाई ए का हाफ, अंत में क्या होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसा कि हमें सॉल्व करना है वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे ए के स्थान पर कितना है वन है बी के स्थान पर वन है, तो टेन इनवर्स बी अपॉन ए का मान कितना होगा टेन इनवर्स बी का मान कितना है वन अपॉन ए का मान कितना है वन, तो क्या होगा टेन इनवर्स वन टेन इनवर्स वन टेन इनवर्स हम जानते हैं वन किसका मान होता है टेन पाई बाई फोर का टेन पाई बाई फोर, डैट्स वाई कितना मान होगा इसका पाई बाई फोर। एंड तो इसका सोल्यूशन क्या होगा वन अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का मान कितना है वन तो वन का स्क्वायर वन प्लस बी का स्क्वायर इसका स्क्वायर लॉग टेन एक्स का हाफ प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए का हाफ यानी पाई बाई फोर का हाफ कितना हुआ पाई बाई एट, अंत में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हमें इंटीग्रेट करना हो ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन बी प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान से देखो जो न्यूमरेटर है उसमें ए सिंगल है और बी साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है और डिनोमिनेटर में बी सिंगल है और ए साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है और साथ ही साथ उसका स्क्वायर भी है, तो इसको ट्रिक के अनुसार डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो डिनोमिनेटर है उसका जो पावर है उसको कैंसिल आउट कर दो और नीचे लिख दो, तो क्या हुआ बी प्लस ए साइन एक्स और न्यूमरेटर में ए और बी को कैंसिल आउट कर दो केवल साइन एक्स को इंटीग्रेट करके लिख दो और अंत में क्या होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स को इंटीग्रेट करने पर क्या होता है माइनस कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में क्या होगा बी प्लस ए साइन एक्स और अंत में क्या होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फ्रेंड अगर हमें इसको सॉल्व करना है टू प्लस थ्री साइन एक्स अपॉन थ्री प्लस टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, जो मैंने ट्रिक बताया था उसी के अकॉर्डिंग है, तो क्या होगा जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर है इसको कैंसिल आउट कर देंगे और ऐसे ही लिख देंगे थ्री प्लस टू साइन एक्स और ऊपर जो कांस्टेंट दिया है दो एंड थ्री इसको कैंसिल आउट कर दो केवल साइन एक्स को इंटीग्रेट करके लिख दो और अंत में क्या होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है माइनस कॉस एक्स अपॉन थ्री प्लस टू साइन एक्स। अगर हमें इंटीग्रेट करना हो जीरो टू वन लॉग एक्स टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सबसे पहले देखेंगे जो पावर एन है वह इवन है या ऑड, अगर इवन है तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा फैक्टोरियल एन, अगर पावर ऑड है तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा फैक्टोरियल एन लेकिन माइनस साइन आगे लग जाएगा।
यह ट्रिक तभी काम करेगा जो यहाँ पर लॉग का पावर एन है वह ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। करना है 0 to 1 लॉग एक्स टू पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो यहाँ पर पावर है वह ऑड है, दैट्स व्हाई इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कितना होगा -factorial 3 यानी -6। ऐसे ही इसको हमें सॉल्व करना है, जो पावर है 20 वह इवन है, दैट्स व्हाई इसका जो डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा वह क्या होगा 20 factorial। अगर हमें इंटीग्रेट करना हो 0 to 1 x टू पावर b माइनस 1 अपॉन log x बेसिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके लिए जो डायरेक्ट ट्रिक है वह इस तरह है, इसका जो डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा वह होगा log जो पावर यहाँ पर b है वह इसमें 1 ऐड कर देंगे और इसका log लेंगे, तो क्या होगा log b प्लस 1। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है 0 to 1 x टू पावर 9 माइनस 1 अपॉन log x बेसिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे जो पावर इसमें यहाँ पर 9 है इसमें एक 1 ऐड कर देंगे और इसका log लेंगे, तो कितना हुआ log 10। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे जो पावर x का पावर 7 है इसमें 1 ऐड कर देंगे और उसके बाद से इसका log लेंगे, तो क्या होगा log 7 प्लस 1 log 8। अगर हमें इंटीग्रेट करना हो 0 to infinite log x upon ax square plus bx plus c with respect to x, जो डिनोमिनेटर है उसमें जो इक्वेशन है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड अगर x square का कोफिशियंट a एंड कांस्टेंट टर्म c इन दोनों का जो वैल्यू है वह आपस में बराबर हो जाए तो इस इंटीग्रेशन का डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा 0। तो हमें सॉल्व करना है इसको 0 to infinite log x upon 4x square plus 5x plus 4। ध्यान से देखो जो मैंने ट्रिक बताया था उसी के अकॉर्डिंग है, कांस्टेंट a और कांस्टेंट c दोनों का मान आपस में बराबर है 4 = 4, दैट्स व्हाई इसका जो डायरेक्टली सॉल्यूशन होगा वह कितना होगा 0।